अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 10 इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज है 10.3। क्वेश्चन है हमारे पास 9, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू वेरियस डिजीज ड्यूरिंग जनवरी इन हैदराबाद, कॉज ऑफ डेथ। अब यहाँ पर डिफरेंट डिजीजेज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी में बताया है कि इन बीमारियों की वजह से कितनी कितनी डेथ हुई हैं। सो टीबी की है 3, डायबिटिक की है 2, मलेरिया 2, कॉलेरा 1, कैंसर 3, हार्ट 5 एंड बीपी 1। ठीक है, फाइंड द मॉडल कॉज ऑफ डेथ। अब डेथ का बताना है कि मॉडल कॉज ऑफ डेथ कौन सी है, और कैन यू फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन इस डेटा से। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखें तो अगर सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में आपने लिखना है द मॉडल क्लास इज द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। सो द मॉडल कॉज ऑफ द डेथ इज हार्ट डिजीज। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है और वो किस में है, हार्ट में। सो मॉडल कॉज ऑफ द डेथ क्या है, हार्ट डिजीज। और वी कैन नॉट फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन फ्रॉम दिस डेटा, क्योंकि अगर इस डेटा को देखा जाए तो ये ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल होते हैं और यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इससे ना मिड पॉइंट निकल सकता है। जब मिड पॉइंट ही नहीं निकलेगा तो आगे वो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, तो इससे मीन एंड मीडियन नहीं निकल सकता। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मज़ीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.studenttube.info। अल्लाह हाफिज़।